हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह का इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। गाइस, जैसा कि आपको पता हो कि इस तरह का जो स्टेटस वीडियो है अभी 3-4 दिन से इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो गाइस, अगर आप लोग भी अपने लेटर की इमेजेस लगाकर कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो में बहुत सारे व्यू और लाइक आ सकते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको VN ऐप को डाउनलोड करना है। गाइस, आपको VN ऐप है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके VN ऐप को डाउनलोड करना है। उससे पहले आपको अपने लेटर की इमेजेस को डाउनलोड करना है। तो गाइस, आप लेटर की इमेजेस को डाउनलोड कहां से करेंगे, तो आपको प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है Pinterest। Pinterest ऐप को आपको ओपन करना है। इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करना है। इस समय गाइस, आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करके इसको ओपन कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो Pinterest ऐप है जो ओपन हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है जिस भी लेटर से आप इमेजेस को सर्च करना चाहते हैं। इस तरह से आपको सर्च करना है एस लेटर इमेजेस, इस तरह से आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपके लेटर की जो बहुत सारी इमेजेस हैं आपके सामने आ जाएंगी, तो इनको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, आप इनको डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड करने के लिए आपको इन पर क्लिक करना है। जैसे गाइस, हम इस वाली इमेजेस को डाउनलोड करेंगे तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है 3 डॉट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड इमेज, डाउनलोड इमेज पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो एस लेटर वाली इमेज है ये डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं इमेज डाउनलोड, हमारी जो इमेज है गैलरी में सेव हो जाएगी। इस तरह से आपको अपने लेटर वाली इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। आपको 10-15 इमेजेस को डाउनलोड करना है। अब गाइस, आपको VN ऐप को ओपन करना है। VN ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको एक वीडियो क्लिप को इसमें सेलेक्ट करना है। ये जो गाइस वीडियो क्लिप है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वाली क्लिप को डाउनलोड करना है। गाइस, अगर मेरा टेलीग्राम चैनल है जो लिंक से ओपन नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं सोहम टेक ऑफिशियल, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो फर्स्ट में आ जाएगा। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वाली वीडियो क्लिप को डाउनलोड करना है। इस तरह से गाइस, हम वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी क्लिप VN ऐप में ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो क्लिप है वो आ चुकी है। गाइस, जो ये VN ऐप का बॉर्डर मार्क आ रहा है लास्ट में, इसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो ये बॉर्डर मार्क है डिलीट हो जाएगा। अब गाइस, आपको वीडियो क्लिप के लास्ट में जाना है। यहाँ पर एक प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको फर्स्ट मिल रहा है वीडियो फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की जो गैलरी ओपन हो जाएगी, यहाँ से आपको फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से तो आपके मोबाइल में जितनी भी फोटो हैं वो आ जाएंगे। यहाँ से गाइस, आपको लेटर वाली इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम लेटर वाली इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से कम गाइस आपको 10 इमेजेस को सिलेक्ट करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो लेटर वाली इमेज है इस तरह से ऐड हो जाएंगी। अब गाइस, आपको फर्स्ट में आ जाना है। इस तरह से आपको फर्स्ट में आना है। यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले साउंड को सिलेक्ट करना है। टैप टू ऐड म्यूजिक, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको म्यूजिक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपके मोबाइल में जो भी साउंड होंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एस्ट्रक फ्रॉम वीडियो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की जो गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से गाइस, हम एक वीडियो को सिलेक्ट करके इस वीडियो के साउंड को अपनी वीडियो में लगाएंगे। तो गाइस, यहाँ से हम एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस वीडियो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने का तो ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही गाइस, उस वीडियो का जो साउंड है यहाँ पर लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साउंड है वो लग चुका है। अब गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो साउंड है कुछ इस तरह से आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब गाइस, आपको म्यूजिक में बीट को सेट करना है। तो नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है म्यूजिक बीट, इस पर क्लिक करना है। इस साउंड को गाइस हम सुनकर इसमें बीट को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले हम इसको सुन लेंगे।
तो गाइस हमारा जो साउंड है यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक बीट लगा देंगे इस तरह से। अब सेकंड बीट यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरह से। आपको बीट को लगाते जाना है, जहाँ पर इस साउंड आपका चेंज हो रहा है यहाँ पर आपको बीट लगाते जाना है इस तरह से। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने म्यूजिक के हिसाब से बीट को लगा दिया है। अब राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपका साउंड है कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब गाइस जो ये बीट लगा है इसके हिसाब से आपको वॉलपेपर को सेट करना है। तो हमारा जो फर्स्ट बीट आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम वॉलपेपर को छोटा कर लेंगे। तो आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का यहाँ से आपको इसको छोटा कर देना है, इसकी लेंथ को इस तरह से छोटा करना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली लेंथ को इतना मैंने छोटा कर दिया है। अब गाइस आपको सेकंड वॉलपेपर की लेंथ को भी गाइस आपको बीट के हिसाब से सेट करना है। इस तरह से आपको सेट करते जाना है। तो हम सभी वॉलपेपर को इस तरह से सेट कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हैं मैंने बीट के हिसाब से सभी वॉलपेपर को सेट कर लिया है। अब गाइस जो एक्स्ट्रा वॉलपेपर है इनको आपको पीछे से डिलीट कर देना है, जो आपके एक्स्ट्रा वॉलपेपर हो रहे हैं इनको हम गाइस यहां से डिलीट कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे जो वॉलपेपर हैं कुछ इस तरह सेट हो चुके हैं। अब गाइस जो आपका फर्स्ट वाला ही वॉलपेपर है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट हैं जो देखने को मिल जाएंगे, तो आपको लास्ट में जाना है। गाइस यहाँ पर जो लास्ट में ये आपको चार पांच जो इफेक्ट मिल रहे हैं इनमें से आप किसी भी को भी इनमें लगा सकते हैं, जो भी आप इनमें लगाना चाहते हैं। तो सबसे लास्ट वाले को इसमें लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेकंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। अब गाइस हम सेकंड वॉलपेपर में भी इफेक्ट को लगा देंगे इस तरह से। इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, लास्ट में जाना है। यहाँ से आप किसी भी इफेक्ट को इनमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लगाते जाएंगे सभी वॉलपेपर में। जो भी इफेक्ट गाइस आपको अच्छे लगे इनको आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लाइन से इनको लगाते जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सभी इमेजेस में इफेक्ट को लगा दिया है। अब राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है राइट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो ये वीडियो है डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।